इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एमएलए नॉर्थ पहलगाम जनाब फिरोज़ नूरुद्दीन सेठ साहब। लिहाजा हम जो कांग्रेस आने वाले दिनों में यानी कि सत्ता परिवर्तन होने के इम्कान नज़र आ रहे हैं, जैसा अभी कोर्ट में आपने कहा सर कि अगर जैसे ईवीएम मशीन पकड़े जा रहे हैं आसाम में देखा, फिर बंगाल में भी, अगर ईवीएम मशीन से ही किसी उम्मीदवार को जिताया जाता है तो फिर कांग्रेस कैसे जीत सकती है, बताइए। हाँ, अच्छा सवाल है आपका। तो उसका जवाब एक ही दे सकता हूँ मैं कि आप अपने अपने एरिया के जो ईवीएम्स है उस पर नज़र रखें। जो भी कांग्रेस स्ट्रांग होल्ड्स है हमारे, वहाँ पे एक अच्छे तरीके की चौकीदारी हम करते रहेंगे और जो हमारे प्रोबेबल वोट्स है वो अगर बाहर खड़े रह के, एक जैसे पहले पोल निकलता है एग्जिट पोल, वो टाइप से आप शुरू से ही वर्क करेंगे हर बूथ के सामने, तो फिर कुछ गड़बड़ करना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें किस हद तक सच्चाई है? सच्चाई तो बोल सकते हैं, साबित करना थोड़ा मुश्किल है। साबित करना अगर है तो फिर आप प्रेस वालों की बड़ी जिम्मेदारी है, और ज़्यादातर प्रेस तो उनकी झूठी बातों पे यकीन करके, उनकी झूठी तारीफ कर करके तो यहाँ तक देश को और वतन को पहुँचाए हैं। खास करके उसका नाम रखा गया है अभी गोदी मीडिया कुछ रखा गया है, सुनते हैं हम, मगर ये टेम्पररी है। अब देख रहे हैं हम कि हिंदुस्तान भर लोग जागरूक हैं और अब जागरूकता से समझ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि भाई ये बंदे जो बात करते हैं हमें बेवकूफ़ समझ के बात करते हैं, क्या बेवकूफ़ समझ लिए हैं जो ऐसी बातों से हमको फंसाना चाहते हैं हर झूठ से। और जब ये सोच गुस्से में बदलेगी तो फिर रास्ता कम बढ़ जाएगा भाग के जाने के लिए, यह हालत होगी। और इतिहास में अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हर जगह हर मुल्क में ओवर द सेंचुरीज ऐसे ही होता है, जहाँ हुकुमशाही है उसका खात्मा भी तो हुआ ही है। ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं जबकि धर्म और जज्बात की बुनियाद पर आवाम को उभारा जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है लेकिन लोग सड़कों पर आना नहीं चाहते, इसकी क्या वजह है कि कांग्रेस किस तरह से लोगों के अंदर इस चीज़ की बेदारी ला सकती है? दो बातें, हम तो हमारी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। एक तरीका है कि हम आपस में मिल के रहें, जो कि है सभी जी। जो कोई छोटा मुद्दा सामने रख के जो जातिवाद कर रहे हैं या फिर कुछ अलग अलग है हम करके झूठी बातों से फैला रहे हैं, सच्चाई तो सामने आनी है और लानी ही है। जहाँ तक मिसमैनेजमेंट का है, महंगाई का सवाल है, जब शाम में बीवी डांटेंगी दो चार बार तो अपने आप से अकल आ जाएंगे कि भाई ये बंदे हमको ये बात से गुमराह कर रहे हैं, हकीकत छोड़ के दूसरी फालतू बातें कर रहे हैं। और ये इट विल टेक सम टाइम। इंडिया शाइनिंग का भी हमने ज़माना देख लिया वाजपेयी जी का। हाँ, महंगाई नहीं है तो मारा ना, मामूली प्याज के महंगाई ने मार दिया उनको, ये भी हो जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट। नहीं जी, इतनी महंगाई और तमाम चीज़ें देकर संविधान को बदलने की कोशिश भी जा रही है, इसके बावजूद भी बीजेपी ही जीतती जा रही है, उसकी क्या वजह हो सकती है? अब देखो, कोई लालची विधायक अगर बिकता है, बराबर है, हारने के बावजूद भी अगर वो सत्ता में आ रहे हैं तो जो भी गैर कानूनी पैसा उनके पास में है, हाँ, वो तो जनता से चुराया हुआ ही पैसा होगा, और कहाँ से लाएंगे, कौन से इनकी खानदानी बादशाहियत थी जो ये पैसा लुटाएंगे। तो बिक्री हो रही, बिकाऊ है, देख रहे हैं हम, या सत्ता की लालच है या पैसों की लालच है या अपने पुराने गुनाह ना खुले उसका उसकी एक सोच है कि भाई डर भी है, ये ख़त्म हो जाएगा। दिस विल टेक टाइम। नाउम्मीद होने से आदमी हार मानता है, हमने हार मानी नहीं है, ना तो हम नाउम्मीद हैं, क्योंकि हम सभी धर्म के लोगों के साथ में बचपन से बड़े हुए हैं, हम उनको उतना ही जानते हैं, उतना ही चाहते हैं जितना बचपन में चाहते थे, तो वो भी वैसे ही है।
है, ये हवा ज़्यादा है, सब्सटेंस कम है। तो ये जब हवा बाजू हट जाएगी तो असली सब्सटेंस दिखाई देगा, और असली सब्सटेंस का जो मार होता है वो जब पड़ेगी तो फिर सब अकड़ ठिकाने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक MLA जनाब फिरोज सेठ साहब, उन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में आने वाले हालात के बारे में भी आगाह किया और किस तरह से लोग परिवर्तन यानी तब्दीली चाहते हैं इस पर भी बात की। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।